हेलो बच्चों, मैं नमन सर, साइंस मेंटर, एमर इंस्टीट्यूट हमारी कोचिंग क्लासेस है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। हम अपनी एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम HC वर्मा के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फोर्थ लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर के लिए, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। और ये लेक्चर चालू करने के पहले, अगर आपको डायमेंशंस के बारे में नहीं पता, आपको अगर थोड़ा कन्वर्जन नहीं आता है, यूनिट कन्वर्जन, तो पहले के 3 लेक्चर्स में देख लीजिए, वहाँ कुछ कुछ ब्रीफ किया गया है, समझाया गया है, देन आप इस लेक्चर को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पहले क्वेश्चन पढ़ना है बच्चों अच्छे से, कि करंट आई दिया हुआ है, लेट आई विल बी द करंट ऑफ द कंडक्टर, आर रेजिस्टेंस है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस इट्स एंड। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज, कौन कौन सी क्वांटिटीज दी गई है हमको, I दिया गया है, R दिया गया है और V दिया गया है। ठीक है, करंट, रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या बोलता है आगे क्वेश्चन में, कि कोई दो क्वांटिटीज आपस में प्रोडक्ट होने के बाद थर्ड क्वांटिटी बनेगी। ठीक है, अच्छा ओम्स लॉ तो सब 10th में पढ़े हैं यार, सबको पता है क्या होता है। चलो चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, पर हम इसको डायमेंशनली बनाना है। ठीक है, डायमेंशनली बनाना है, तो चलो डायमेंशंस लिखते हैं सबके। आई का डायमेंशन आई होता है, सबको पता है। आर का डायमेंशंस देखो, आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, ML2T-3I-2, और पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन भी दिया हुआ है, ML2T-3I-1। तो बच्चों अब आपको खुद एक छोटा सा कॉमन सेंस लगाना है और इन तीनों डायमेंशंस को देखते हुए ये बताना है कि किन दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई करने से आपका तीसरा डायमेंशन बन जाएगा। मेरे को जो लगता है देख के, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, तो आपका ये डायमेंशन मिल जाएगा। करके देख लो आप, सबको पता भी होगा यार, वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना। चलो करो, आई का डायमेंशन आई, आर का डायमेंशन क्या दिया हुआ है, ML2T-3I-2। यहां से सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ML2T-3I-1, जो कि मेरा डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 और बहुत इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द लेंथ एल। क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है लेंथ एल पे, टेंशन मतलब फोर्स पे, टेंशन इज ऑल्सो अ फोर्स ना बच्चों, ठीक है, टाइप ऑफ फोर्स, एंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ एम। अच्छा ये स्मॉल एम है, ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, ये क्या है आपका, मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को हम इक्वल टू लगाएंगे, एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे, डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट रहेगा, लेंथ एल, फोर्स एम, फोर्स एफ एंड मास पर यूनिट लेंथ के लिए स्मॉल एम लिखे हैं। चलो अब सबके डायमेंशंस लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन बच्चों फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट लेक्चर में हो चुका है, जाके देख सकते हैं। लेंथ का डायमेंशन एल हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन बहुत बार बता चुके हैं, MLT-2 रहेगा, और मास पर यूनिट लेंथ बोल रहा है तो मतलब मास पर यूनिट लेंथ, तो इसका डायमेंशन देखो क्या बनेगा, ML-1। ठीक है, चलो तो फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों वो लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रही है हमको नहीं पता, तो हम लेट इट बी बोल देते हैं, ये ए, फोर्स बी एंड मास पर यूनिट लेंथ सी। चलो डायमेंशंस लगाएं सबका, फ्रीक्वेंसी का T-1, ये के को के रहने दीजिए, एल के ऊपर ए लग जाएगा, फोर्स, फोर्स मतलब MLT-2B। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट खोल दिया है अब मैंने ये ऑलरेडी, अब लेक्चर पुराने लेक्चर्स में किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, उसका क्या है, ML-1, तो एम के ऊपर सी, एल के ऊपर माइनस सी। चलो तो कंपेयर किया जाए। अच्छा कंपेयर करने के पहले अपन थोड़ा सा इसको वो कर देते हैं, ये था फोर्स के लिए और ये था आपका इसके लिए। ठीक है चलो थोड़ा सा इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, के को के रहने दो, एम को पकड़ो, एम में बी है प्लस सी है, एम के ऊपर बी भी है और सी भी है, एल को देखो, एल के ऊपर ए है, बी है और माइनस सी है,
और टी क्यूब पर माइनस टू बी। तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देखो यहां कुछ नहीं है का मतलब एम के ऊपर जीरो है और एल के ऊपर जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो है और माइनस वन किसके बराबर है, माइनस टू बी के बराबर है। तो बी को देखो क्या आ गया, वन बाय टू आ गया। बी आपका क्या आ गया बच्चों, वन बाय टू आ गया, ठीक है। अच्छा यहां रख सकते हैं बी इज इक्वल टू माइनस सी, तो सी इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू। तो यहां से हमारे सी की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब फटाक से यहाँ पे ये वैल्यूज भी डाल दें, ए की वैल्यू नहीं पता, बी कितना दिया हुआ है जल्दी देखो, बी दिया हुआ है प्लस वन बाय टू, सी कितना दिया हुआ है माइनस माइनस वन बाय टू, देन जीरो। तो यहां से देखो ए कितना आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, वन बाय टू प्लस वन बाय टू वन, उधर जाएगा तो माइनस वन। देखो तो यहां तक हो गया हमारा, चलो आगे बढ़े, थोड़ा सा जगह है, हाँ तो यहां लिख देते हैं अपन, ए क्या आया आपका माइनस वन, बी क्या आया आप लोग का वन बाय टू, और सी क्या आया आपका माइनस वन बाय टू। तो देखो हमने क्या क्या लिया था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या था, देखो के के कॉन्स्टेंट है हमारा, डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट है, एल एल के ऊपर ए है, ए मतलब माइनस वन, ठीक है। एफ एफ क्या है आपका, बी बी मतलब वन बाय टू, और एम मास पर न्यूटन लेंथ के ऊपर सी है मतलब माइनस वन बाय टू। अच्छा अब देखो जरा सही क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू के, एल के ऊपर माइनस वन है मतलब अपॉन में चले जाएगा, एफ के ऊपर माइनस प्लस वन बाय टू है तो ये एफ और माइनस वन बाय टू नीचे आएगा और दोनों के ऊपर वन बाय टू है मतलब पावर में रूट आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया इसका, फ्रीक्वेंसी का। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा, दोबारा देखना अगर नहीं समझ में आया तो इजी है, कुछ नहीं करना है अपन को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे अपन, क्वेश्चन नंबर 18, टेस्ट इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना है, चलो बनाते जाते हैं। देखो बच्चों मैं दो बार सॉल्व करूंगा, सारे नहीं करूंगा, ठीक है। पहला इक्वेशन दिया हुआ है एच इज इक्वल टू टू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी, ठीक है। तो यहां सबसे पहले सबके डायमेंशन लिख लेते हैं, एच हाइट है मतलब एल, टू का कोई डायमेंशन नहीं होता, एस एस यहाँ पे आप लोगों का बच्चों सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ क्या बन जाएगी एम टी माइनस टू। एस हो गया कॉस थीटा, बच्चों आप लोगों का डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है। रो रो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मतलब एम एल माइनस थ्री। क्या बचा आपका, रेडियस बचा, रेडियस यार क्या लेंगे, एल ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जी बचा, जी क्या होता है एल टी माइनस टू, जी मतलब एक्सलरेशन, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज को, ये सब डायमेंशंस को हमको यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन करते हैं एल एच एस, एल एच एस में सिर्फ क्या है, सिर्फ एच, इसका मतलब डायमेंशन सिर्फ एल है। अगर ये एल के बराबर हम आर एच एस भी ले आए तो इसका मतलब हमारा सब कुछ सही है, इक्वेशन सही है। टू का तो कुछ नहीं है, एस एस ऊपर लिखना है, एस का डायमेंशन देखो क्या है एम टी माइनस टू डिवाइडेड बाय रो, रो में मैं क्या है आपका एम एल माइनस थ्री, फिर आर के लिए एल होगा, जी के लिए एल टी माइनस टू। तो देखो बच्चों यहां से एम कैंसिल हो गया, माइनस टी टू से टी माइनस टू कैंसिल हो गया, ये टू है, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, वन अपॉन एल माइनस थ्री प्लस वन प्लस वन, तो क्या बना एल माइनस वन और वो एल आ गया, डायमेंशन एल आ गया। इसका मतलब एल एच एस बराबर हो गया आर एच एस के लिए, मतलब हमारी ये वाली जो इक्वेशन है वो सही है एकदम 100%, ठीक है। अच्छा बाकी आपका ये वाला, ये वाला, ये वाला सेकेंड इक्वेशन, थर्ड एंड फोर्थ, ये सब आप लोग को घर में बनाना है, खुद से होमवर्क है, बहुत इजी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आराम से बन जाएगा, ठीक है।
आप लोग को सब बता चुका गया है, पी प्रेशर के लिए यूज़ करना है, रो डेंसिटी के यूज़ करना है, प्रेशर डेंसिटी सब आपको प्रीवियस लेक्चर मिल जाएगा। देन प्रेशर हो गया, ठीक है, आप लोग का यहाँ से आर रेडियस हो गया, टी टाइम हो गया, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी लेंथ हो जाएगा, मास हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब मिल जाएगा आप लोगों को आराम से, ठीक है। सबके डायमेंशन देखो, वैल्यूज पुट करो और आप लोग वहाँ से डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है बता सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 19, क्या बोल रहा है, लेट एक्स एंड ए स्टैंड फॉर द डिस्टेंस, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों और देख लेते हैं, 18 भी हो गया, 17 भी हो गया और 16 भी हो गया, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट एक्स एंड ए स्टैंड फॉर डिस्टेंस, क्या दे दिया लिख लेते हैं यहाँ पे अपन, एक्स एंड ए जो है ये है डिस्टेंस, मतलब अगर मैं इनकी यूनिट की बात करूंगा तो मीटर होगी, ठीक है। अब हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1/a साइन इनवर्स ए बाय एक्स, ठीक है। हमको ये चेक करना है कि ये जो मेरी इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन उठाते हैं LHS, LHS क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बच्चे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इंटीग्रेशन, तो इसका डायमेंशन लिखते जाते हैं, dx, dx का डायमेंशन होगा l, a स्क्वायर का डायमेंशन है, a क्या है डिस्टेंस, x भी क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस, तो जो डायमेंशन बनेगा वो डिस्टेंस का ही रहेगा, तो l स्क्वायर का डायमेंशन है और इस पे रूट लगा हुआ है, इसका मतलब l डिवाइडेड बाय l कैंसिल होके डायमेंशन लेस बन गया, डायमेंशन लेस बन गया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, m जीरो l जीरो t जीरो सब लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन RHS में, चलिए बच्चों क्या दिया RHS में देखो फटाफट, 1/a साइन इनवर्स a बाय एक्स, चलो डायमेंशन लगाते जाए फटाफट, 1/a, a डिस्टेंस है मतलब l, साइन इनवर्स a बाय एक्स, a बाय एक्स मतलब l बाय एल, कैंसिल हो गया, और सही बात भी है, साइन इनवर्स के अंदर जो भी आएगा ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है, जीरो से वन के बीच की होगी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस वन से वन के बीच की होगी, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज आएगी ये डायमेंशनल लेस होगी खुद, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ एल माइनस वन, अच्छा ध्यान से देखो, एल एच एस में डायमेंशन लेस आ रहा है, आर एच एस में एल माइनस वन आ रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन इनकरेक्ट है, डायमेंशनली इन करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, हमारे फर्स्ट चैप्टर में टोटल 19 क्वेश्चंस थे, इसको हमने पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया है, किसी भी प्रकार का समस्या या डाउट आने पे आप हमको इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और बिलासपुर छत्तीसगढ़ के बच्चे अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, थैंक यू सो मच।